यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, भाग्य चक्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। चलिए आज जान लेते हैं 12 राशियों के क्या है हाल। तो मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी, साहित्य कला के क्षेत्र में भी आप अपनी सृजनात्मक प्रस्तुत करेंगे। घर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा, दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गण से तालमेल बनाए रखें। वृषभ राशि की बात करते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, स्थायी संपत्ति के दस्तावेज पर आज हस्ताक्षर टाल दें। आज हस्ताक्षर न कीजिएगा, नकारात्मक विचारों से थोड़ा दूर रहे और आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, रचनात्मक क्षमता अच्छी रहने वाली है आज। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कार्य में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रतिस्पर्धी भी आपसे पराजित होंगे। घर का वातावरण आज सही रहने वाला है, परिजनों के साथ मनमुटाव ना हो इसका ध्यान रखें। माता की सेहत का विशेषकर आज ज्यादा ध्यान रखें और नकारात्मक विचार आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। और भाग्य वृद्धि के आज संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि की बात करते हैं। परिजनों के साथ वातावरण तनावपूर्ण रह सकता है, निर्धारित कार्यों में विचारों की अपेक्षा कम सफलता मिलेगी। मध्याह्न के बाद आपका समय अच्छा रहेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे ऐसा गणेश जी कहते हैं। प्रत्येक कार्य दृढ़ निर्णय शक्ति से करेंगे। क्रोध की भावना अधिक रह सकती है, मन शांत रखें। सरकारी कार्यों में लाभ होगा, परिजनों का आज भरपूर सहयोग मिलेगा। अब बारी है कन्या राशि की। कन्या राशि की बात करते हैं। आज आपका मन कुछ अधिक भावनाशील रहेगा, भावनाओं के प्रवाह में बहकर आप कोई गलत कार्य ना कर बैठे, इसलिए आज आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। चर्चा और विवाद से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। मध्याह्न के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ आज नजर आएगा, समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि की बात करते हैं। आज मित्रों से लाभ मिलने का दिन है, व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ होगा। संतानों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और मध्याह्न के बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें आज। उग्र चर्चा विवाद से बचकर चले। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से आप प्रत्येक कार्य आज सरलता पूर्ण करेंगे और व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में भी आपकी बुद्धि प्रतिभा को प्रशंसित किया जाएगा। उच्च अधिकारी गण आपके कार्य से आनंदित होंगे, आर्थिक लाभ होने के पूरे योग है। अब बात करते हैं धनु राशि की। किसी धार्मिक या मांगलिक प्रसंग में उपस्थिति रहेंगे, आपका व्यवहार भी आज कुछ न्यायप्रिय रहेगा। हानिकर कार्यों से आज थोड़ा दूर रहिएगा, क्रोध पर थोड़ा संयम रखें, लेकिन मध्याह्न के बाद आपका दिन बहुत अच्छा और सफलता भरा रहेगा। आपके कार्य सरलतापूर्वक पूर्ण होते रहेंगे। मकर राशि की बात करते हैं। आज के दिन संभल कर चले, स्वास्थ्य के विषय में लापरवाही ना करें और निषेधात्मक विचारों को अपने पर प्रभावी ना होने दें। आकस्मिक व्यय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे, धार्मिक स्थान की यात्रा करते रहे। कुंभ राशि की बात करते हैं। आर्थिक योजना बना सकते हैं आज आप, शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। परिजनों से सुख एवं आनंद आपको मिलेगा, आज किए गए कार्य में सफलता प्राप्त होने के पूरे योग है। सामाजिक दृष्टि से अपमानित न होना पड़े, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित होने से कार्यपूर्ति में विलंब संभव है, सहकर्मियों में सहयोग में बाधा आएगी,
दाम्पत्य जीवन में तकरार का वातावरण लंबे समय तक न रहे, इसकी सावधानी रखें। व्यापार में साझेदारों से संभल कर रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेदर रिपोर्ट के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो एंड एक्यूमास।